Hello, Happy New Year all of you. How was your vacation? Had fun? बहुत सारे crackers burst किए, बहुत सारी sweets खाई होगी, right? हर बार की तरह इस बार थोड़ा outing कम किया होगा, friends और relatives से मिलना थोड़ा कम किया होगा, but I am sure आपने enjoy तो बहुत ही किया होगा. Now vacation is over, so back to studies. Today we will be doing English. अभी तक हमने इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स किए राइट तो आज से हम स्मॉल लेटर्स स्टार्ट करेंगे. ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है तो हम पहले स्मॉल ए लिखना सीखेंगे. ओके एंड व्हाट कम्स आफ्टर स्मॉल ए? बी राइट. सो दिस इज कैपिटल बी एंड दिस इज स्मॉल बी. तो हम हमारी नोटबुक और वर्कबुक में स्मॉल ए और स्मॉल बी की प्रैक्टिस करेंगे. ओके लेट्स स्टार्ट. अब हम हमारी नई बुक में स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर्स. ओके दिस इज कैपिटल ए एंड दिस इज स्मॉल ए. ए एंकर. एंकर मीन्स ये एक एकदम हैवी मेटल होता है, इससे हम बोट और शिप को वहाँ पे रख सकते हैं. ओके दिस इज एलिगेटर. एलिगेटर मतलब क्रोकोडाइल जैसा दिखता है पर ये क्रोकोडाइल से थोड़ा शॉर्ट होते हैं और थोड़े ब्रॉड होते हैं और ये अमेरिका और चाइना में होते हैं राइट. देन ए एंट. एंट मतलब चींटी. ए एंट ईटर, ये एंट को खाते हैं. एंड ए अकॉर्न. अकॉर्न मतलब ये एक फ्रूट है जो ऑक ट्री पे होता है. ओके नाउ स्टार्ट करेंगे हम. कैपिटल ए तो हमने सीख लिया, अभी हम स्मॉल ए को पहले फिंगर से ट्रेस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ स्मॉल सी, देन मेक अ स्टैंडिंग लाइन एंड स्मॉल कर्व. स्मॉल सी, स्टैंडिंग लाइन एंड स्मॉल कर्व. ओके ये यहाँ पे क्या दिया है? एलिगेटर. एलिगेटर में कलर नहीं है, चलो तो पहले इसमें कलरिंग करते हैं. ओके ग्रीन कलर है तो हम यहाँ पे ग्रीन कलर करते हैं राइट. आपको भी ऐसे एलिगेटर में कलरिंग करना है. ओके हो गया कलरफुल एलिगेटर. नाउ स्टार्ट राइटिंग. यहाँ पे हम स्मॉल ए को ट्रेस करेंगे. स्मॉल ए ठीक है. उसके बाद ये पेज में भी आपको पहले जो ए दिखे हैं दिख रहे हैं आपको उसके ऊपर ट्रेस करना है. ओके देन कैपिटल ए हम रेड टू ब्लू लाइन करते थे राइट. तो स्मॉल ए ये टू ब्लू लाइंस दिख रही है आपको, फर्स्ट ब्लू लाइन एंड सेकंड ब्लू लाइन. उसके अंदर ही एक छोटा सा सी करना है और स्टैंडिंग लाइन करके स्मॉल कर्व. छोटा सा सी बनाना है देन ये सी को हम बंद करेंगे, स्टैंडिंग लाइन करेंगे. स्टैंडिंग लाइन करके स्मॉल कर्व. स्मॉल सी देन स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व. स्मॉल सी स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व. ओके तो इसी तरह से आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है. ए ओ एंट, ए ओ एप्पल, ए ओ एरोप्लेन. ओके तो ये पूरा पेज आपको इस तरह से कंप्लीट करना है. देन यहाँ पे कुछ लिखा है, द एंग्री एंट एट एन एप्पल एंड एन अकॉर्न. तो यहाँ पे जितने ए आपको दिख रहे हैं जो हमने लिखा स्मॉल ए, वो स्मॉल ए के ऊपर आपको सर्कल करना है. जितने भी स्मॉल ए दिख रहे हैं उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे, सिर्फ ए के ऊपर.
बाकी कोई लेटर के ऊपर सर्कल नहीं करना है, ओके। तो ये स्मॉल ए हमने सीखा, अभी स्मॉल बी करेंगे, ओके। बी, दिस इज कैपिटल बी एंड दिस इज स्मॉल बी। बी ब बास्केट, बी ब ब्रेड, बी ब बटर, बी ब बेकर। बेकर मतलब जो ये सब ब्रेड बिस्किट्स केक बनाते हैं उसको बेकर कहते हैं। एंड बी ब बलून, राइट। तो सबसे पहले ट्रेस करेंगे फिंगर से स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व एंड अगेन कर्व। ये कैपिटल लेटर है। अभी हम स्मॉल बी सीखेंगे। स्मॉल बी कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ स्टैंडिंग लाइन, देन मेक अ स्मॉल कर्व। स्टैंडिंग लाइन, कर्व। नाउ यहाँ पे भी हमें बैर दिया है, बी ब बैर। ये भी एकदम खाली है, इसमें कलर नहीं है, तो इसको हम कलरफुल बैर बनाएंगे, ओके। बैर का कलर कौन सा होता है? ब्लैक। तो हम इसमें ब्लैक कलर करेंगे, उसके बाद हम राइटिंग स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आपको भी इसी तरह से बैर में कलर करना है। हो गया कलरिंग। नाउ ये बी को हम ट्रेस करेंगे। बी ब बॉल, बी ब बॉय, बी ब बिब, बी ब बी, ओके। वैसे ही हम ये वाले पेज में भी बी को ट्रेस करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रेड टू ब्लू स्टैंडिंग लाइन एंड देन मेक अ कर्व। स्टैंडिंग लाइन, कर्व, ओके। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे रेड टू ब्लू स्टैंडिंग लाइन करनी है, और ये जो टू ब्लू लाइंस है वहाँ पे उल्टा सी बनाना है, स्मॉल कर्व करना है, ओके। ऐसे मत कर देना, ये रॉन्ग है। स्मॉल बी रेड टू ब्लू स्टैंडिंग लाइन, देन मेक अ कर्व। स्टैंडिंग लाइन एंड स्मॉल कर्व। तो इसी तरह से आपको ये बी कंप्लीट करना है। और यहाँ पे भी ऐसे ही एक सेंटेंस लिखा है, वहाँ पे जितने भी बी है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है, ओके। यस दिस इज बी। ये बी है? नो दिस इज नॉट बी, बी तो ये साइड पे होता है। दिस इज बी, बी ब बास्केट, बी ब ब्लू, बी ब बेरीज, बी ब बनाना, ओके। तो एक बार चेक कर लेना कि सब बी आ गए ना, कोई रह नहीं गया ना, नो। तो इसी तरह से आपको वर्कबुक में स्मॉल ए और स्मॉल बी कंप्लीट करना है। नाउ ओपन योर इंग्लिश नोटबुक। विच लेटर इज दिस? ए। ए अ एप्पल। कैसे लिखना है ए? सबसे पहले ब्लू लाइन में सी एंड देन स्टैंडिंग लाइन करके स्मॉल कर्व। पहले ब्लू लाइन में हम सी करेंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन करके स्मॉल कर्व। ए अ एप्पल, ए अ एरोप्लेन। ए ब्लू लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए, ओके। ये जो टू ब्लू लाइंस देख रहे हैं आप, फर्स्ट ब्लू लाइन एंड सेकंड ब्लू लाइन, उसके अंदर ही ए लिखना है, ओके। तो इसी तरह से आपको नोटबुक में भी ए की प्रैक्टिस करनी है। देन विच लेटर इज दिस? बी। बी ब बॉल, बी ब बैट। रेड टू ब्लू स्टैंडिंग लाइन करेंगे और उल्टा सी करेंगे, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, वो भी सिर्फ ब्लू लाइन में। रेड टू ब्लू स्टैंडिंग लाइन करेंगे, फिर फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक कर्व करेंगे। बी ब बनाना।
बीबा बैट। ओके, तो आपको नोटबुक में भी बीबा बॉल की प्रैक्टिस करनी है। ओके, बाय।